मिल जाओ तुम मिल जाए दुनिया। और दोस्तों जैसा कि वीडियो अभी आप लोगों ने देखा, दोस्तों अगर ऐसा ही स्टेटस आप अपने समवन स्पेशल के लिए, अपने बेबी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने भाई बहन के लिए बनाना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक पांडे और दोस्तों आप देख रहे हैं अभिटेक चैनल। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करके इसको ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों एक प्यारा सा व्हाट्सएप स्टेटस बनाने के लिए आपको इन दोनों ऐप की जरूरत पड़ेगी, पिक्सल ऐप और काइनमास्टर ऐप की। दोस्तों पिक्सल ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सिंपली पिक्सल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इस ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं न्यू टेक्स्ट लिखकर आ रहा है। अब दोस्तों आपको इस डिलीट वाली बटन पर क्लिक करके और ओके पर क्लिक कर देंगे, आपका न्यू टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको लोगों को एक चीज और बता दूं, इस स्टेटस को बनाने में जितना भी मटेरियल मैं यूज करूंगा उस सारा का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सिंपली सारा डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहां प्लस वाले आइकन पर जाना है, इसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर जाना है। फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद दोस्तों आपको एक पत्ते की फोटो लेकर आ जानी है। इस पत्ते का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस पत्ते को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहां पर सिंपली टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना है और इस पत्ते को इस वाली बटन पर क्लिक करके अच्छे से बैकग्राउंड पर सिलेक्ट सेट कर लेना है। अब दोस्तों आप इसको इसके बाद यहां पर इस वाली बटन पर जाना है और थोड़े से ऑप्शन को स्क्रॉल करना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा टेक्सचर का, आपको टेक्सचर वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप टेक्सचर वाली बटन पर क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तों आपको ये पिक वन बनकर आ रही है, आपको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, जिसका भी आप स्टेटस बनाना चाह रहे हो उस पिक को आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उस पिक को सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहां टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर नीचे कुछ स्केल का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों आप इसको प्लस और माइनस करके अच्छे से पिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने इसको सेट कर दिया। दोस्तों अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इन ऑप्शन को थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा शैडो का, आपको दोस्तों शैडो वाले बटन पर जाना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। व्हाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको टेक वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये बटन आ रही है, सॉरी ये आपको ये बटन दिख रही है, आपको यहां पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन को सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो ये बटन प्लस के साइड में बटन आ रही है, आपको यहां पर जाना है और सेव एज इमेज वाली बटन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेव टू गैलरी वाली बटन पर क्लिक कर देना है और कुछ ही सेकंड में ये पिक सेव होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। बस दोस्तों अब आपको पिक्सल ऐप से बाहर आ जाना है और दोस्तों आपको काइनमास्टर ऐप में चलना है। दोस्तों अगर आप बिना लोगो वाला काइनमास्टर ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, आप मेरे को एफबी पेज पर है, मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली आप डीएम कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको फ्री वाला काइनमास्टर का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। अब दोस्तों काइनमास्टर ऐप को ओपन करने के बाद आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर जाना है। प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद दोस्तों आपको 16:9 को सिलेक्ट करना है। इस रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जिसका भी स्टेटस बनाना है उस पिक को आपको लेकर आ जाना है। चलिए दोस्तों मैं उस पिक को लेकर यहां पर आ जाता हूं, यहां पर मैंने उस पिक को सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों हमको यहां टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं साइड में थोड़ा स्पेस आ रहा होगा, दोस्तों आपको इस पिक पर क्लिक करना है। पिक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो सीजर के बगल बटन आ रही है, आपको यहां पर जाना है, इक्वल वाली बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप इस पिक को इस तरह से जूम, अपने दोनों हाथों से जूम करके इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहां पर मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया। अब दोस्तों हमको टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना है। टिक वाली बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से पिक वाली पिक पर क्लिक करना है। अब दोस्तों हमको यहां पर इसको बढ़ाकर जितना बड़ा आप स्टेटस करना चाहें उतना बड़ा तक आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहां पर लेयर पर जाना है। लेयर के बाद आपको इफेक्ट वाली बटन पर क्लिक करना है। बेसिक इफेक्ट में जाना है। बेसिक इफेक्ट के बाद आपको गेशियन ब्लर सेलेक्ट करना है। गेशियन ब्लर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो गेशियन ब्लर के नीचे लेयर आ रही है, आपको इसको खींच के पूरा लास्ट तक, अपने स्टेटस के लास्ट तक कर लेना है। अब दोस्तों आपको ये देख सकते हैं गेशियन ब्लर की लाइनिंग आ रही है, आपको इसको यहां से पूरा अपने जो स्टेटस है आपको उससे पूरा से पूरा सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के बाद दोस्तों अब आपने जो पत्ती वाली पिक बनाई थी उसको लेकर आना है। इसके लिए दोस्तों आपको लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है। इसके बाद दोस्तों जो आपने पत्ती वाली बटन बनाई थी, सॉरी जो पत्ती बना रखी थी, आपको इसको यहां पर लेकर आ जाना। अब इसको दोस्तों आप अच्छे से इसको थोड़ा सा जूम करके आप इसको सेट कर दीजिएगा। इसको सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर टिक वाली बटन पर क्लिक कर देना और दोस्तों ये पत्ती वाली लेयर पर आपको क्लिक करना है। अब इसको दोस्तों पूरा स्टेटस के लास्ट तक आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो लाना है। दोस्तों इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और दोस्तों आपको उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को लेकर यहां पर आ जाना है।
ग्रीन स्क्रीन वीडियो को लेकर आने के बाद दोस्तों आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अगर आप दोस्तों दूसरी लोकेशन पर सेट करना चाहें जिससे आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप वहां पर भी सेट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, राइट साइड में कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की का, आपको क्रोमा की पर जाना है और दोस्तों इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। डन वाली बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप अपना कोई सॉन्ग लगाना चाहें दोस्तों उसके लिए आपको ऑडियो पर जाना है। और दोस्तों आपको जैसे ही ऑडियो वाली बटन पर क्लिक करेंगे आपके फोन में जितने भी सॉन्ग अवेलेबल होंगे यहाँ पर आ जाएंगे, आप डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आप मेरा लिरिक्स वाला सॉन्ग लगाना चाहें दोस्तों उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके सिंपली दोस्तों आप उस लिरिक्स वाले सॉन्ग को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों आपको उस लिरिक्स वाले सॉन्ग को यहाँ पर लेकर आ जाना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों अभी ये ब्लैक ब्लैक शो कर रहा है, इसको दोस्तों ब्लैक हटाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है इनको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रीन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों बस ये हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। अब दोस्तों इसको हमको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो दोस्तों देख सकते हैं ये वाली बटन आ रही है, यहाँ पर सिंपली जाना है। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको एक्सपोर्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना है और दोस्तों कुछ ही सेकंड में विद इन वन मिनट आपका ये वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। दोस्तों चलिए मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ कि किस तरह का ये स्टेटस बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से मैं कोई वीडियो प्लेयर स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ पर इस वीडियो को प्ले करके देख लूंगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा, कितना अमेजिंग और बहुत ही क्यूट सा वीडियो लग रहा है। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने समवन स्पेशल के लिए बहुत ही प्यारा सा स्टेटस बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।